पंजाब च आम आदमी पार्टी लगातार खेरू खेरू हुंदी नजर आ रही है। विरोधी तां पहला ही कहंदे ने कि आम आदमी पार्टी दा वजूद पंजाब चो खत्म हो गया, यह थोड़ा बहुत बचिया होया है तां सिर्फ उन्हां करके जिन्होंने अस्तीफे दिते ने, पर स्पीकर साहब ने उन्होंने अस्तीफे स्वीकार नहीं किते। पर हुण आप दा यह वजूद भी खत्म हुंदा दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने हत्थां तो विरोधी धिर दा खिताब बीत जांदा नजर आ रहा है। जी हाँ, यह असीं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दाखां तो विधायक हरिंदर सिंह फूलका दा अस्तीफा पंजाब विधानसभा दे स्पीकर राणा के पी सिंह ने प्रवान कर लिया। इस दे नाल ही फूलका हुण पंजाब विधानसभा दा हिस्सा नहीं रहे। फूलका दा अस्तीफा स्वीकार होने तो बाद हुण बाकियां दे अस्तीफे भी स्वीकार होने की आस की जा रही है, जिस नाल आप दे हाथ चो विरोधी धिर होने का खिताब जा सकता है। उधर फूलका साहब का अस्तीफा मंजूर होंदिया ही इसते विरोधी पार्टियां की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इसते बोलते हुए अकाली लीडर चरणजीत सिंह ब्राड ने कहा कि चंगी गल है कि जे स्पीकर साहब नू जा गई। इस मौके ब्राड ने स्पीकर साहब नू खूब रगड़े लगाए ते तंज कसे। बड़ी चंगी गल है जे स्पीकर साहब नू जाग आई है इस गल ते कि फूलका साहब दा अस्तीफा मंजूर कीता है, पर पंजाब दी जनता ये जानना चाहती है कि जेडे लोग खुद अस्तीफे दे गए आम आदमी पार्टी के बाकी विधायक साहबान या खहरा साहब या बलदेव सिंह मास्टर जिन्होंने दूजी पार्टी बना के इलैक्शन लड़िया है, उन्होंने अस्तीफे अज तक मंजूर क्यों नहीं होंगे। स्पीकर साहब नू चाहिए है कि वह कानून के मुताबिक सही काम करन ते तुरंत जिहड़े लोग पार्टी छड़ चुके ने जिहड़े अस्तीफे दे चुके ने उन्होंने इन्हां अहुदियां तों खाली किया जाए तां कि जनता का पैसा जिहड़ा वो वेस्ट ना हो। चकदे टीवी नाल जुड़े रहन लई साडा चैनल सबसक्राइब करो। वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।